तो मुझे पूरा नहीं, मुझे मेरे रोल के बारे में पता है, कुछ बताया जो उन्होंने प्रोड्यूसर ने और डायरेक्टर अशोक जी ने, और जुगाड़ू कह रहे हैं अभी कुछ ऐसा भी सोचा, जुगाड़ू नंबर वन भी हो सकता है इसका कुछ टाइटल ऐसा करके, तो अच्छी। हाँ एक्चुअली जुगाड़ू जो फिल्म है इसमें पूरा जो काम हो रहा है वो जुगाड़ से हो रहा है, ठीक है, और गोपी जी उसमें एक क्वेश्चन के द्वारा प्लीज। हाँ पहले क्वेश्चन फिल्म के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में जरा बताइए। कॉन्सेप्ट ये है कि जुगाड़ू है, जुगाड़ू फिल्म है जिसमें सारे काम जुगाड़ से हो रहे हैं, ठीक है। स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है कृष्णा अभिषेक, और वो किस तरीके से सारे काम निकाल लेता है अपनी स्ट्रीट स्मार्टनेस से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी मैनिपुलेशन से, वो लोगों की हेल्प करता है, अपने काम निकाल लेता है, अपने बेसिकली अ मैनिपुलेटिव गाइज। और गोपी जी जो हैं उसमें एक ऐसे एस्टेट, क्योंकि पूरी फिल्म जुगाड़ पे चल रही है, तो गोपी जी एस्टेट एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, जो उनको जो कृष्णा अभिषेक को जो है घर दिलाने में मदद करता है, और उस घर से कहानी शुरू होती है। तो बेसिकली फिल्म ये है हमारी। तो जुगाड़ मतलब किस तरीके से नाम में आया आपको कि सारी सब जुगाड़ चल रहा है, टाइटल में जुगाड़ी रखा जाए, किस तरीके से? क्योंकि जो हमारा कैरेक्टर है वो जुगाड़ू है, वो इतना स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है कि वो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है वो अपने जुगाड़ से सही कर देगा, और कहीं जो उसे चाहिए वो अपने जुगाड़ू माइंड से वो पा लेगा। सर आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे? हाँ मैं टीवी, हाँ टीवी आपने देखा, FIR देखा, 9 साल आपने झेला तो नहीं कहूँगा कि देखा, इन्जॉय किया लोगों ने बहुत ज़्यादा, तो 9 साल एक बहुत बड़ी जर्नी मैंने की है, लेकिन मैं इनका थैंक्स करूँ प्रोड्यूसर साहब का और डायरेक्टर अशोक का, जो मेरे को अभी फिल्मों में भी मैं एक करना चाह रहा हूँ, फिल्में भी करना चाह रहा हूँ, तो शुरुआत मेरे ख्याल से FIR के बाद जो मैं फिल्म करूँगा इनकी फिल्म करूँगा जुगाड़ू उससे। तो कितना अलग एक्सपीरियंस रहा आपका टीवी से फिल्म्स में? टीवी आवन तो ये यार 9 साल तो मैं करता रहा, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ FIR का एक्सपीरियंस था, सुबह जाते थे रात को निकलते थे वहाँ से स्टूडियो से, लेकिन अब ये फिल्में करूँगा, फिल्में की हैं मैंने, पहले भी की हैं, लेकिन बहुत साल के बाद मैं फिल्मों में आ रहा हूँ अभी, तो 9 साल तो उधर ही थे, 25 दिन हमारे ब्लॉक होते थे FIR में, तो अब उधर से फ्री हुए हैं, तो अब शुरुआत जो है वो इनकी फिल्म से कर रहा हूँ मैं। इसमें मेरा एक स्टेट एजेंट का जो बताया मैडम ने वो रोल है, और बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है, मज़ा आएगा जितना मुझे सुनाया गया करेक्टर, और भी भरपूर मनोरंजन, मतलब जैसे मैं आपको हंसाता आया हूँ, अभिषेक तो है ही, हंसाते ही हैं, मतलब हम कोशिश करेंगे आपका पूरा जो है दर्शक है उनका मनोरंजन अच्छे से किया जाए। शूटिंग है आज इनका पहला दिन है, इनको मुबारकबाद देने आया था, लेकिन मैं तो एक्चुअली खाना खाने आया था, टू बी फ्रैंक, मतलब मेरे को बोल दे भी आइए आप, और आप लोग हैं जो मतलब अपना प्रेस वाले हैं, इनका थैंक्स करना था भी, आप ज़रा अच्छे से ज़रा इनको कीजिए प्रपोज, मतलब जो भी फिल्म का है, बट आज पहला दिन है, मेरी शुभकामनाएं हैं प्रोड्यूसर साहब को और डायरेक्टर अशोक को भी, फिल्म इनकी बढ़िया अच्छे से, जैसे अभिषेक हैं बड़ा अच्छी कास्टिंग की है इन्होंने, जितना मैंने सुना है स्क्रिप्ट के बारे में बहुत अच्छी है, और भरपूर मनोरंजन, यहाँ भी फंबल। हाँ चलो, और किस तरीके से मतलब कृष्णा दिमाग में कैसे आई कास्टिंग? एक्चुअली जो कैरेक्टर हम लोगों ने जब सोचा था, एक्चुअली से 2 साल से इस फिल्म पर काम चल रहा है, पूरी उसकी स्क्रिप्टिंग, डायलॉग्स, और जब हम इसको आगे बढ़ रहे थे इस फिल्म को करते समय, स्क्रिप्टिंग करते समय, उसके डायलॉग्स लिखते समय, तो कोई एक जो बंदा सही लग रहा था कृष्णा अभिषेक, क्योंकि वो ही इस रोल पे जान डाल सकते हैं, वही एप्ट बंदे हैं। जो गोविंदा जी करके गए उसके बाद नेक्स्ट जो बैटिंग जाता है वो है कृष्णा अभिषेक के पास। तो जब हम ये स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, इसका स्क्रीन पे चल रहा था, तो हमारे दिमाग में सिर्फ कृष्णा अभिषेक है। तो इस वो बड़े एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेके, क्योंकि बेसिकली कोई भी एक्टर तब एक्साइटेड होता है जब स्क्रिप्ट अच्छी होती है, उसके डायलॉग्स अच्छे होते हैं, एक पूरा ओवरऑल फिल्म का जो उसे लगता है कि अच्छा हाँ इधर मैं आपको परफॉर्मेंस का चांस मिलेगा और मेरे लायक रोल है, तभी वो हाँ बोलता है। तो उन्होंने हाँ बोली है, तो अब मुझे लगता है वो समय भी निकाल ही लेंगे इसके लिए। ऐसा कुछ अभी तक क्लैश तो हुआ नहीं है हमारा, लेकिन बहुत स्मूथली चल रहा है, जितने डेट्स की बात हुई है अभी तक, काफ़ी डेट्स हमें मिल चुकी हैं उनकी, तो स्मूथली निकल जाएगी फिल्म। और एक्टर का ये होता है 150 दे देता है, जब उसको कोई करेक्टर मिलता है ना अच्छा करने के लिए, फिर तो आदमी ये कहता है मैं प्रोड्यूसर ले जाकर घर में ना कैलेंडर ही दे दूँ, लो भैया सारी डेट्स आपकी हैं, जो जो चाहिए हमको ले लो, जितनी स्क्रिप्ट है, क्योंकि कृष्णा अभिषेक भी आज में बहुत
हॉट प्रॉपर्टी माना जाता है और कॉमेडी में तो कमाल ही कर रहे हैं वो सब, लेकिन जैसा इन्होंने मैडम ने बताया है कि स्क्रिप्ट इनकी बहुत अच्छी है, मतलब स्क्रिप्ट हीरो होती है, बाकी करेक्टर आर्टिस्ट तो इनके पास हैं ही अच्छे। और शायद उनकी पहली लीड फिल्म होगी, ये लीड रोल में ये फिल्म होगी, तो अगर उन्होंने हमें यहाँ बोला है तो मतलब कुछ तो दम होगा स्क्रिप्ट में, तभी बोला है, वरना उनके सामने फिल्मों का भंडार तो रहा ही होगा, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है ना। थैंक यू।